वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। जयपुर शहर के पहचाना एक नाम सिद्धगी के नाम से जाना जाता है, मगर इन्होंने थोड़ा पॉलिटिक्स में लीडर भी है और कहीं बातें इनके जुबान से सीधे सीधे सच्ची आ गई है। मगर हमने कुछ लोगों से मुलाकात के लिए अपने वास्तव न्यूज चैनल में जब सवाल जवाब करने के लिए तो फोन भी किया, मगर कोई भी हमारे साथ सवाल जवाब करने के लिए आगे नहीं आ गए। मगर ये जो है इन्होंने ही जब इनको कुछ सवाल जवाब हमने किया तब यहाँ पर बैठकर बहुत सारे जमीन लुटेरे और बहुत सारे हॉस्पिटलों के लिए, अलबिन हॉस्पिटल के लिए, विजयपुर शहर के जहाँ भी रोड रास्ते और ना जाने कितने तकलीफें हैं और क्या क्या चल रहा है। मगर इनसे हमने जब बैठकर सवाल जवाब किया, मगर और बहुत सारे सवाल जवाब भी है, मगर इन्हीं से हमने सवाल जवाब किया। अभी हमने इस रिपोर्ट में तो आपको दिखाते हैं, मगर बहुत सारे लीडर है मगर सीधे सीधे आकर नहीं कह देते। मगर इन्होंने जो भी यहाँ पर आज चल रहा है सच सच बताया। अब एक ही लीडर हमसे मुलाकात हो गई हमारे वास्तव न्यूज से, आप उन्हीं की जुबान से हमारे और उनके कैसे चर्चे हो गए हम एक रिपोर्ट में दिखाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। ऐसर अहमद सिद्दीकी से आज हम इसलिए मुलाकात के लिए आए ताकि इस गली के एक जाने माने एक पहचानी है, ताकि यहाँ पर जो आसपास जो इमारतों का जो खोखला होते जा रहा है, ताकि इसलिए इसके लिए आज हम इसलिए पूछते हैं ताकि यहाँ के जो महतर महल कहते हैं, जो महतर महल कुछ दिन पहले वहाँ पर बिजली मार गई थी ताकि एक मीनार गिर गया था। आप यहाँ से जाने माने पहचानी से हम एक बात पूछना चाहते हैं ताकि यहाँ के लिए ताकि इमारतों का हाल कैसा है क्या है। प्लीज पिछले 15-20 सालों से हमारी इमारतों को अनदेखा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो चाहे ASI डिपार्टमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिपार्टमेंट हो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, हर कोई अनदेखा कर रहा है। हमारे यहाँ खूबसूरत इमारतें हैं, खूबसूरत गार्डन्स हैं और खूबसूरत कॉलोनीज हैं, लेकिन उसको टोटली सलम एरिया के नाम पर अनदेखा किया जा रहा है। हमारे आसार महल जो कि यहाँ पर इतना खूबसूरत गार्डन था हमारे बचपन में हो या हमारे 15-18 ईयर्स के टाइम में हो, हम देखते थे वहाँ पर खूबसूरत गार्डन था, दिन ब दिन वहाँ पे चहल पहल ये थी वो थी, देख रेखी भी होती थी गवर्नमेंट की ओर से। अब टोटली बंद हो चुका है, वहाँ पे ना गार्डन है ना कुछ, ये है हर जगह गार्डन के नाम पर एक धब्बा नजर आ रहा है, वो सिर्फ पुरानी यादें बन कर रही है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है, उन्होंने टोटली मुसलमानों के मॉन्यूमेंट्स को अनदेखा किया है, जबकि लाखों रुपए गोल गुमट आदिल शाही के नाम पर आज भी उसको वसूला जा रहा है पब्लिक के पास से। अगर ऐसा है तो वो बंद कर दो, गवर्नमेंट के पास से वसूलना बंद कर दो, पब्लिक के पास से फ्री रखो लोगों को। अगर आपको देख रेख की करने नहीं आ रही है तो फ्री रखो, लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे। आप मेंटेनेंस के नाम पर एक इमारत के नाम पर 22-20 इमारतें हैं उनको टोटली नजरअंदाज कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है और क्यों इतना अनदेखा किया जा रहा है? क्या हमारा कम्युनिटी का MLA रहना जरूरी है? आप बाकी MLA किसकी कम्युनिटी के हैं, किसके ओर से जीत कर आते हैं? आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आप वाहवाही का डंका हर जगह बजाते हैं बीजापुर सिटी का, लेकिन उसको सही तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। अभी अताउल्ला चौक से लेकर हकीम चौक यहाँ पर टोटली सलम एरिया के नाम पर लोगों को कुछ भी सहूलत नहीं है, ये गवर्नमेंट की अनदेखी है। जबकि जामिया मस्जिद वहाँ पे खूबसूरत गार्डन है, खूबसूरत इमारत है, वहाँ पर जितने भी ये हैं आसपास बसने वाले लोग हैं उनको सड़कों की तकलीफ है। KHB कॉलोनी में परसों रोज जा रहा था मैं,
तो वहाँ रोड के नाम पे रोड तो है ही नहीं, धोबड़ दाबड़ खड्डे, पानी, गंदा पानी, ऐसा पानी वैसा पानी, तो फिर कहाँ है आप? किस बेस पर ये कह रहे हैं कि हमको सहूलत दे रहे हैं? महानगर पालिका का टैक्स भी वसूल रहे हैं और सुविधा की बात भी कर रहे हैं, लेकिन टोटली जीरो जीरो डेवलपमेंट्स है बीजापुर में, जो है जीरो डेवलपमेंट्स है सिर्फ हमारी कॉलोनीज में, जबकि उनकी कॉलोनीज में खूबसूरत तो नजर आ रहा है, वो ऊपरी सतह पर है। कब क्या हो जाएगा इसका कोई भी ये नहीं। अगर दो मिनट बारिश आ जाए तो रात रात भर करंट नहीं रह रहा, तो किस बात का डेवलपमेंट्स है? ये तो करंट जो फ्री की अच्छी जगह कई कम्प्लेक्स आ रहे हैं, ताकि आज भी कुछ लोगों को बिल जैसे पहले आता था आज भी वैसा ही आ रहा है, और ठीक से करेंट में सही बात करें, करेंट की जो बिजली की बात करें सही है, मगर ये तो सब जिम्मेदारी तो प्रशासन की होती है। देखिए प्रशासन ने जो मदद हम आम लोगों की है, शायद ये ऐसी कोई सरकार कर सकती है। 150 यूनिट करंट फ्री है, जबकि मेरे भी घर में 150 यूनिट करंट फ्री आ रहा है। उसके बाद अगर कोई बिल आ रहा है तो वो हमने ज्यादा चलाया, ये किस सबब से ज्यादा जलाया है आप जान सकते हैं या ना जान सकते हैं मुझे पता नहीं। मेरी सोच की विचार से कुटगी में जो ये है थर्मल प्रोजेक्ट NTPC, उस हिसाब से यहाँ पर गर्मी बढ़ गई है, तो जाहिर बात है गर्मी बढ़ गई है तो फैन तो चालू ही रहेंगे, टीवी चालू ही रहेगी, बच्चे घर में रहेंगे, तो बिल ज्यादा आना लाजमी है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, बस BJP सरकार की एक गलती है। जब उनकी सत्ता 2023 में जाती नजर आई तो उन्होंने अप्रैल के महीने में ही लाइट के बिल दुगने दाम कर दिए, जबकि 3.25 रुपये यहाँ के यूनिट था वो डायरेक्ट 5.75 रुपये पर आपको होगा। ये किसकी गलती है? BJP पार्टी की गलती है। अब हम कहेंगे कि हम कांग्रेस समर्थन है, कांग्रेस समर्थन की बात अलग है, BJP समर्थन की बात अलग है। यहाँ बात सच और झूठ की हो रही है, किसकी खामियों से ये NTPC आया और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज बहुत से लोग परेशान हैं, गर्मी से मर रहे हैं लोग, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। स्कीम्स कहते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना क्या क्या वो बोलते हैं, हॉस्पिटल में फ्री है, वो कहाँ भाई? मुझे तो नजर नहीं आया। कोविड के वक्त आप लाखों लोग मर गए, उसमें हजारों लाखों बिल्स भर भर के थक गए, वहाँ पे तो कोई स्कीम्स नजर नहीं आई, मुझे तो नजर नहीं है। अगर आपको नजर आई है तो आप बताइए। जनता का भी एक हक होता है इसमें, ताकि अगर कोई भी हॉस्पिटल में अगर वहाँ पर के ऑर्डर ये दिया जाता है, ताकि DTL कार्ड, आयुष्मान कार्ड और ना जाने से कोई आयुष्मान कार्ड तो फ्री रहता तो है, मगर इस पर जनता भी आवाज़ उठाना जनता की भी जरूरत है। जनता बखूबी आवाज़ उठाती है और हर जगह फैसिलिटी, गुड फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल्स की। आप याद रखिए ये बात को, कोरोना टाइम में ये स्कीम्स काम नहीं आई। किस वजह से नहीं आई, इसका मतलब ये है गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती थी कि स्कीम्स ट्रबल की जाए, जबकि जान लेने वाले भी वही है, जान बचाने वाले भी वही है, तो सौदा तो होगा, जाहिर ही बात है। ऐसा है वो स्कीम का जो ऐसा है कि महाराष्ट्र में आज भी DTL कार्ड पर कोई भी अगर गवर्नमेंट सहूलत की कार्ड पर महाराष्ट्र में तो डॉक्टर पहले यही पूछते ताकि आपके पास DTL कार्ड है क्या है, तो जब बनता मगर ये करने के लिए भी यहाँ के नेता और यहाँ की जो जनता है तो इसके खिलाफ थोड़ा आवाज़ उठाएंगे तो शायद ठीक हो सकता है। नहीं, हो सकता है। आप जो बनिस्बत ये बात कह रहे हैं BPL कार्ड्स के, अभी मेरे सोच के अनुसार ये है कि बेलगाम में KLE हॉस्पिटल है, वहाँ पर देखिए हर पेशेंट को पूछा जाता है कि आपका BPL कार्ड है क्या, आरोग्य कार्ड, तो उसके बनिस्बत वो काम करते हैं। अगर है BPL कार्ड तो उसके लिए वो परमिशंस लेना होता है, लोन अप्लाई करना होता है, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, आपके पेशेंट को खतरा होता है, हो सकता है। इसलिए अगर आप खैर ख्वाह हैं, आप अगर पैसे वाले हैं, तो जाहिर बात है आपको ज़रूरत नहीं है,
तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं। अगर गरीबों के लिए जो है उसके लिए वेट है, वेट एंड वॉच है, इंतजार तो करना पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेगी उसके लिए हॉस्पिटल में, यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल्स में मैं देख रहा हूँ अल-अमीन हॉस्पिटल्स का हाल इतना बुरा है, वहाँ अगर कोई पेशेंट्स जाता है तो कुछ डॉक्टर्स अपने धंधे पानी चला रहे हैं, अपने दुकान चला रहे हैं, अपने हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, वो एडमिशन वहाँ नहीं ले रहे, एडमिशन डॉक्टर पेशेंट को वहाँ एडमिट नहीं करा रहे, हमारे हॉस्पिटल में जो हम बोल देते हैं बोलते हैं, तो ये किसके कहने पर, जबकि आप 4-4 लाख 5-5 लाख पेमेंट ले रहे हैं, वहाँ का हाल बहुत बुरा है। अल-अमीन हॉस्पिटल में बिल्कुल हाल बुरा है। अब ये किस हिसाब से बोल रहा हूँ, कहाँ आप कब गए थे, मैं खुद एक एक चीज ये करता हूँ, इंक्वायरी करता हूँ किस चीज़ की कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर सही हो रहा है, ये जानने की कोशिश करता हूँ। वहाँ अगर मुझे कुछ गलत लगा तो मैं गलत बोलूँगा ही, इसमें कोई मेरा रिश्तेदार हो, मेरा कोई अपना हो, कोई बाहर का हो, ये सब मुझे संबंध नहीं, जो सच है सच है। अल-अमीन हॉस्पिटल जो एक ऐसा इदारा है, बीजापुर सिटी नहीं पूरे बेंगलुरु के जो लोग वहाँ के जो वर्कर्स नहीं, वहाँ के हमारे कुछ नाम था हमारे मिनिस्टर, वो उन्होंने चलाते थे तो बहुत ये था, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं किए हॉस्पिटल में, फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। पेशेंट अगर गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया तो कहते हैं कि 4 दिन पेशेंट को रखना पड़ेगा। मैंने कहा किस बात का, इनके बॉडी में सब है क्या नहीं, बरोबर है क्या नहीं, चेक करना पड़ेगा, दर्द यहाँ है भाई, जख्म यहाँ है, हाथ टूटा है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ दर्द है, किस हिसाब से। अभी हॉस्पिटल में तो तुम बिल्कुल सही बता रहे हैं, अगर ऐसा चल रहा हॉस्पिटल में जहाँ के वहाँ के वर्कर्स है उनकी उनके प्रोवाइड हॉस्पिटल बनाकर वो कर रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत चला रहे हैं, अपना कारोबार चलाना ही है तो वहाँ की इनकम क्यों ले रहे हैं भाई, मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये भी है, आप मुझसे सवाल करने आए, मैं सवाल के बदले सवाल इसलिए दे रहा हूँ कि लोग भी जान सके, ये सवाल के बदले सवाल इसलिए कि लोग भी जान सके कौन गलत कर रहा है। आज हॉस्पिटल्स के नाम पर हिंदुओं की आलीशान बिल्डिंग्स बन रही हैं और वो कई हद तक सक्सेसफुल गुड रेटिंग्स भी दे रहे हैं फैसिलिटी के मामले में, हम कहाँ पर हैं। ये तो है बात, अल-अमीन का नाम कैसा है, अल-अमीन यानी कि वहाँ पर ये दर्द बोलने के बाद में शायद पेशेंट आराम हो जाता है शायद, ऐसा लगता है। मगर आज बिल्कुल सही बात करें, जब वहाँ पर हालत ही खराब है तो उसके लिए जो है अब आगे वो सुधर जाएगा या नहीं, क्या वहाँ के मैनेजमेंट को बदला जाना है। मैनेजमेंट को बदलना उसका ये नहीं है, टोटली चेंज करना चाहिए वहाँ का इंतज़ाम, टोटली किसी को भी नहीं, हमको भी कुछ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इस मामले में दखल देने की या बोलने की, टोटली चेंज कर दो वहाँ पे, टोटली चेंज करके आप लाइए सब हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके एक एक राउंड चेक करवाइए पेशेंट्स को, क्या है, कब आराम होंगे, क्या आप फ्री हॉस्पिटल्स बोलते हैं, सिविल हॉस्पिटल फ्री बोलते हैं, वहाँ पर फ्री है मैं मानता हूँ, कई हद तक फ्री है, गरीबों को मिल रहा है, लेकिन सुबह एक सिग्नेचर करने के बाद कोई नज़र नहीं आता, मैंने ये बहुत सुना, डॉक्टर्स हो या वहाँ के वर्कर्स हो जो भी टीम है वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, बैठते हैं जल्दी 1-2 घंटे गप्पे लड़ाते हैं, बाद में गए, कब आते हैं, 4-5 बजे आते हैं और एक सिग्नेचर करके जाते हैं, वो थंब दबाना कुछ ये चालू है ना सेंसर, कुछ ये चल रहा है, तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। इसमें कई हद तक हम लोगों की गलती है, क्योंकि हमें सही काम लेने भी नहीं आ रहा है, सही काम को समझने भी नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो या कोई भी बेस पर हो, अभी बहुत से चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबके दिमागों में सिर्फ अच्छाई की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, ईमानदार लोग अगर हर जगह रहेंगे तो कुछ हद तक सुधर जाएगा,
अगर हर जगह आप दे दो मैं ले लो, आप दे दो मैं ले लो हो जाएगा तो जाहिर ही बात है वो कारोबारी बन गया। कोई यहाँ ईमान के लिए, हक के लिए, कौम के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है अपनी जेब के लिए, अपने प्रॉपर्टीज के लिए, अपने लिए कर रहा है, और नाम जो है इस्लाम कौम का ले रहे हैं। काम कुछ अलग ही है, इसीलिए यही बात है मुझे तो कैसा है आप लोग पुराना चाहिए मोहम्मद आदि शाह इतनी खूबसूरत इमारतें, इसमें मुसलमान का भी हक है, यहाँ के साथ जंग का सबका हक है, ताकि ये इमारतों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही, आवाज़ क्यों दब रही है। देखिए इसमें अभी आपको, आपने तो एक अच्छी बात कही, आपने उस जगह का नाम तो नहीं लिया, मैं बखूबी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इखलास खान मस्जिद का न्यूज़ पिछले 8 दिन पहले आप ही ने दिखाया था, तो उस पर मैंने कमेंट भी किया था। मुस्लिम्स कम्युनिटी के होकर आप पहले ध्यान दीजिए कि किस चीज़ के बारे में दिखा रहे हैं। तो इखलास खान मस्जिद का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है, 16 एकड़ ज़मीन थी इखलास खान मस्जिद की, वो कहाँ गई, वो क्यों गायब हो गई और किसने किया, क्यों किया, हम सब जानते हैं कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहां से कब्जा हुआ है, हर कोई खामोश है, क्योंकि हमारा हक हासिल करने हमें नहीं आ रहा है। वो इतने बड़े बन बैठे हैं कुछ ज़मीनी गुंडे, वो बहुत बड़े गुंडे, बहुत बड़े डॉन, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस बन चुके हैं, तो उनका मुकाबला सही हद तक नहीं हो पाएगा, जमीन लुटेरे बन बैठे हैं। तो इखलास खान मस्जिद के ज़मीन का जो है 16 एकड़ ज़मीन थी, कहाँ गई, आप को ढूंढना चाहिए, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, इसकी मोजनी करवाइए, ज़मीन कहाँ पर गई, या तो वहाँ पर कुछ मसला चल रहा है, उस पर स्टे लाइए, सबसे पहले स्टे लाइए, स्टे लाने के बाद हमारा ये फ़र्ज बनता है, हमारा जो चलता है या मस्जिद हो या कुछ भी डोनेशन का जो चलता है, जनता को पहुंचाना हमारा फर्ज है, जनता तक ये खबर पहुंचाना था कि इस मस्जिद का ये हाल है, इसकी जगह ठीक बताया, हमने भी ऐसे बहुत सारे मेमोरियल डीसी ऑफिस में दे चुके हैं, ताकि ज़मीन कहाँ चले गए और कैसे पेपर्स बनने लगे इसके, इतना जो मोहम्मद आदि शाह के जो ऐसे बड़े बड़े ज़मीन दरगाहों के और मस्जिदों के है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर इस पर या कानून कार्रवाई का CBI करेगी या फिर यहाँ की जो अधिकारी करेंगे, आखिर क्यों लापरवाही इस पर चल रही है इस पर विजय को शेयर, यहाँ सब हर कोई मिला हुआ, हर कोई मिला हुआ है, यहाँ कोई किसी से अछूता नहीं है, हर कोई मिला हुआ, करप्शन भी मिला है, अच्छे लीडर्स भी मिले हैं, तो ताल ताल मैं पात पात ये सब चल रहा है, यहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई CBI आके चेक नहीं करेगी, कोई ED चेक नहीं करेगी, कोई भी चेक नहीं करेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। बीजापुर के हालात ना बदलने के जिम्मेदार यही लोग। शुक्रिया, हमने फिर से अगले एपिसोड में और भी कुछ बातें हैं जो इनसे जान लेने में आपको, जनता को एक होशियारी की, और बहुत सारे बातें इनसे अगले एपिसोड में फिर से हम इनसे मुलाकात करेंगे, और ना जाने विजयपुर शहर में जो ज़मीनों के लुटेरे कहाँ चले गए, जो मोहम्मद आदिल शाह के जो मस्जिदों के आसपास के जो ज़मीन है उसका भी हम ज़रूर खुलासा करेंगे। एक बात कहना चाहूँगा, मेहतर महल शायद 18 मई या 18 अप्रैल को कुछ गिरी है, शायद बिजली मार कर गिर गई, तो अभी तक काम नहीं है, कोई ऑफिसर्स नहीं आ रहा है, कोई देख रहे हैं निगरानी के लिए देख रेख कर रहा नहीं, वो गुम्बज कब बनाए, हमारी एक शान है वो गुम्बज इमारत जो है पड़ गई, उसके कुछ तो काम होना चाहिए, ये कब करेंगे, क्यों नहीं कर रहे, काम करो, आपको अगर ऐसा ही खेल खेलना है तो हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स हटा दीजिए, ज़मीन की लेवल कर दीजिए, फिर वहाँ पर ज़मीन गरीबों को बांट दीजिए, अगर ऐसा है तो।
अगर आपके दिमाग में अगर ये बात चल रही है कि मॉन्यूमेंट से कुछ लाभ नहीं आ रहा है, तो आप हजार रुपये स्क्वायर फीट 2000 रुपये स्क्वायर फीट को लोग लेने के लिए राजी हैं। बहुत बड़ी जमीन मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी, नेता लोगों को मिल जाएगी, बहुत से लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि देख रेख ही नहीं हो रही ना, संभाल नहीं सक रहे ना आप। तो ये काम कीजिए पहले कि मॉन्यूमेंट जो भी गिरने आ रही हैं उसको ध्यान दीजिए। अभी जो मेहतर महल की गुम्बज गिर गई है उसका काम करिए। वो मीनार जो शाही मीनार थी, आज देखने में इतना अफसोस होता है कि किसकी लापरवाही से, कोई भी नहीं है वहाँ पे देख रेख के लिए। पहले एक दो तीन रामू बैठते थे, अभी कोई भी नहीं बैठता। हर जगह वो रामू की कटौती किए हैं, कम माली काम करने वालों की, लेकिन पगार तो सभी ले रहे हैं। आप गोल गुम्बज में, इसमें अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाकर देखेंगे तो बहुत से लोग उसके नाम पर आज भी पेमेंट्स ले रहे हैं, अच्छी खासे पेमेंट वसूल रहे हैं, लेकिन इमारतों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं। गगन महल के पास पीछे रास्ते चर्च के बाजू रात में अंधेरा इतना रहता है कि वहाँ कुछ अनहोनी हो रही है, तो किसकी जिम्मेदारी वहाँ पे, जबकि गवर्नमेंट के सारे पेपर्स उधर हैं, तहसीलदार ऑफिस उधर है, लाखों लोगों की फ्यूचर उधर है, लाखों हजारों लोगों के जमीनों के कागजात जो कुछ भी है उधर है, वहाँ पर क्यों इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ की सोच। उजाला रहना चाहिए, हर जगह रोशनी होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, फुटेज होने चाहिए, आपको नजर आना चाहिए। मैं अगर यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो एतराफ की जो भी चीज़ें हो रही हैं मुझे नजर आनी चाहिए, सभी का हक है, क्योंकि ये सब डेवलपमेंट्स इसको कहते हैं। हम ले जाएंगे इधर पूरा अंधारा रखेंगे तो कहाँ डेवलपमेंट्स। शुक्रिया वास्तव में इससे बात करने के लिए। फिर से हम अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात करेंगे और इनसे बहुत सारे बातें विजयपुर शहर की जान लेंगे। आप तक हमारे वास्तव में खबर ज़रूर पहुंचाएंगे।